कोरोना महामारी में रेमडेसिविर इंजेक्शन किसी संजीवनी से कम नहीं है, लेकिन कई लोग इस संजीवनी रूपी रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने से बस नहीं आ रहे हैं। ऐसा ही एक गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है, देखिए यह खास रिपोर्ट। दरअसल देवास कोतवाली पुलिस ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले प्राइम अस्पताल की नर्स पूजा कलासिया, मेल नर्स अंकित पटेल और फायदा मेडिकल स्टोर के रुद्र तिवारी को गिरफ्तार किया है। आरोपियों द्वारा 27 से 50,000 रुपए में रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचे जा रहे थे। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने पूजा और अंकित को इंजेक्शन बेचते हुए रंगे हाथों पकड़ा है, जिसमें रुद्र की भी जानकारी मिली। तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। देवास SP डॉक्टर शिवदयाल सिंह ने प्रेस वार्ता में गिरोह का पर्दाफाश करते हुए बताया कि आरोपियों के पास से 3 रेमडेसिविर इंजेक्शन और कुछ दवाइयां बरामद की है। आरोपियों से पूछताछ कर और भी जानकारी निकाली जा रही है। अंदेशा है कि इस गिरोह में और भी लोग शामिल हो सकते हैं, जिन पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। देखिए, COVID-19 से रिलेटेड दवाइयां, इंजेक्शन, इनकी कालाबाजारी करते हुए 3 लोगों के गिरोह का पर्दाफाश किया है। प्रथम दृष्टया उनसे हमको इंजेक्शन मिले हैं, कुछ दवाइयाँ मिली हैं। अब हम इस चीज़ की तस्दीक कर रहे हैं कि वो लोग कहाँ से लाते थे, कहाँ कहाँ सप्लाई करते थे और कितने दिनों से इस काम में लगे हुए थे। कितने रुपये में एक इंजेक्शन को बेचा करते थे सर बाजार? 27 से लेके 50,000 तक की रेट इन्होंने अभी तक बताई है। 27,000 में कल हमारा जो मुखबिर था उसको उन्होंने दिया था। सर, एक हॉस्पिटल का नाम सामने आ रहा जिसकी नर्स और एक मेल नर्सिंग का स्टाफ, इस चीज की तस्दीक की जा रही है कि इसमें किस किस स्तर पर और कौन कौन लोग शामिल थे। जो लोग भी आरोपी होंगे सबको आरोपी बनाया जाएगा और उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मैंने बताया कि जो भी लोग इसमें आरोपी होंगे पूछताछ में और भी जो चीजें सामने आएंगी सबके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 3 लोग इसमें कई स्तर पर पूछताछ की जा रही है कि ये लोग या हमारे जिले से लाते थे या कहीं दूसरे जिलों से ये लोग व्यवस्था करते थे, और उसके आधार पर जो जो लोग आरोपी इसमें सामने आएंगे हमारे, उन सभी को आरोप बनाया जाएगा और उनके ऊपर रासुका की कार्रवाई की जाएगी। 3 सर, हमको 3 मिले हैं, कितने बेच चुके हैं? इसमें और लोगों के शामिल होने के संकेत अभी जरूर मिले हैं, हम ये पूछताछ करेंगे कितने लोग और शामिल हैं। बहरहाल देखा जाए तो पुलिस जानकारी निकाल रही है कि ये रेमडेसिविर इंजेक्शन कहां से लेकर आते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़ देवास।